हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे पुराने शूज़ थे, काफ़ी टाइम हो गया था इनको रखे हुए। आज मैंने निकाले कि इसमें कुछ नया क्रिएट करते हैं। इससे पहले मैंने इनको अच्छे से धोया, रगड़ा और इनके रंगत में एकदम निखार लेके आई। अब इनको कुछ नया इसमें क्रिएट करते हैं, तो इसमें कुछ ऑर्नामेंट हम यूज़ करेंगे, इसका मेकओवर करते हैं। इसके लिए मैंने पर्ल स्टोन चेन ली है और पर्ल स्टोन चेन को जो शूज़ के जो पार्टीशन है वहाँ पर मैं इसको पेस्ट करती चली जाऊँगी। जहाँ जब ये स्टिचिंग आ रही है, अभी जैसे कि मैंने जो सोल वाला पार्ट है उसके ऊपर पूरे में इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब जहां जहां भी ये स्टिचिंग है वहां भी हम इसको अच्छे से पेस्ट करते चले जाएंगे। अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में इसको पेस्ट नहीं करूंगी। और जैसे कि मेकओवर की बात हो रही है, तो उसके लिए मैंने हाफ कर पर्ल बीड्स लिए हैं और मेरे पास 3 शेप के अवेलेबल हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ कट जो है वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है या निकलता नहीं है, क्योंकि उसका जो बेस है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, तो हम इसको अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें जैसे कि आगे जो है आगे की डिटेलिंग में इसमें फ्लावर बनाने का ट्राई कर रही हूँ। इन वाले शूज़ में जो भी कॉर्नर वाले पार्ट हैं वहाँ पे मैं एक सिंगल पर्ल लगा के उसके बाद फ्लावर वाली ही डिटेलिंग दे रही हूँ इसमें। और इससे क्या होगा कि अभी पता नहीं लगेगा कि इसमें हमने फ्लावर बनाया, पर जब आप इसको देखेंगे तो एक बीच बीच में पता लगेगा कि हाँ ये जगह जगह फ्लावर्स बने हुए हैं। तो जो भी शूज़ में कॉर्नर हैं उसमें मैं ये फ्लावर डेकोरेट करती चली जाऊँगी। और अभी हम जो साइड वाले पोर्शन है शूज़ का उसमें भी जो है फ्लावर बना रहे हैं, और मैं वन बाय वन करके, और जो सिमेट्री मैंने रखी है जैसे कि पहले एक बड़ा पर्ल लिया है फिर छोटा छोटा, या फिर जो फिर पहले बड़ा लगाया तो फिर छोटा, उसके बाद छोटे पर्ल बीट्स में लगा रही हूँ। और इसी तरीके से जो ये पूरा शूज़ है मैं इसमें एक एक करके वन बाय वन करके ये सारे पर्ल्स को पेस्ट करती चली जाऊँ। शूज़ का जो पीछे वाला पार्ट है इसमें मैं फ्लावर ही बनाऊंगी, और इसमें मैं बड़े पर्ल बीट्स यूज़ कर रही हूँ जैसे कि वो ज़्यादा हाईलाइट होंगे। पूरे ही मैंने सारे बड़े पर्ल लिए हैं और वन बाय वन करके पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम इन्हीं पर्ल बीड्स को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, और वही डिटेलिंग वही रखेंगे सेम फ्लावर वाली, और क्योंकि दूसरी साइड भी सेम कॉर्नर है। अब ये पेस्ट करने के बाद जो इसके साइड वाले कॉर्नर हैं वो अब रह गए थे, तो इसमें हम फ्लावर नहीं बनाएंगे, इसमें हम सीधी लाइन में पर्ल्स को पेस्ट करते चले जाएंगे, जिससे दोनों साइड की डिटेलिंग जो है वो क्लियर नज़र आए। अब ये पूरे में हमने पेस्ट कर लिया, और देखो आप देख सकते हैं कि पता लग रहा है कि ये राउंड शेप में लगाए गए हैं, फ्लावर बनाया गया है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में ऊपर वाले पोर्शन में हमने इसको पेस्ट नहीं किया था, अब जो ये पर्ल स्टोन चेन है इसको हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करेंगे सिलाई के ऊपर ही, जो उसमें स्टिचिंग आई हुई है उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अभी हमने दोनों शूज रेडी कर लिए हैं, तो आप गाइस बताइएगा कि ये कैसे लगे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और अब मैं इन्हें जरूर पहनूंगी, और पहनने के बाद जो इनकी लुक आ रही है वो एकदम औसम है। आप इसे अपने ट्रैवलिंग के दौरान, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, आप हर जगह इसको वेयर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसे लगे। थैंक्स 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 फॉर वॉचिंग।